अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स, आज मैंने बनाना था मटर गोश्त, ठीक है। उसके लिए हमें जो है ना एक अदद प्याज चाहिए और स्लाइस में काटा हुआ, ठीक है, नॉर्मल, और एक गट्टी जो है ना पूरी जो है ना लहसुन की चाहिए, और एक इंच का टुकड़ा जो है ना अदरक का, और छोटे मेरे पास टमाटर थे, मैंने जो है ना चार अदरक लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो फिर आप एक टमाटर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे मटर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका तरीका कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अदरक और लहसुन का जो है ना पेस्ट लिया, ठीक है, और ये जो है ना टमाटर शामिल कर दिए हैं और प्याज शामिल कर दिया। अब हम इसको जो है ना बनाते हैं, तो शुरू करते हैं, हम कुकिंग की तरफ चलते हैं, तो चलें आए हमारे साथ। अब प्याज और टमाटर को जो है ना फ्राई करना है हल्का सा, फिर हम इसमें जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा गोश्त छोटा, ठीक है, ये मैंने पानी में भिगोया, फ्रीजर में रखा हुआ था नरम होने के लिए। और ये देखें, तो इसी तरह फ्राई करना है लाइट। तो इसके साथ ही हम शामिल करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है, जो हमने बना के रखा हुआ है, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया साथ, ठीक है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये मैं अब जो है ना गोश्त भी शामिल करती हूँ साथ ही, ठीक है, ताकि गोश्त भी फ्राई हो जाए। ये हम गोश्त शामिल करते हैं साथ, अब इसको अच्छे से हमें फ्राई करना है, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। गोश्त को बनाई करना जो है ना वो सबसे अहम काम है। अगर गोश्त की बनाई अच्छी होगी ना तो आपकी कुकिंग बहुत ही लाजवाब होगी, मज़ा आएगा, खुशबू आएगी, गोश्त का पता भी नहीं चलेगा कि आपने गोश्त पे डाला है। सब्ज़ी को या किसी वैसे ही आप कौरमा या कढ़ाई गोश्त जैसे भी बनाते हैं ना, इसी तरह मैं तो सबसे पहले जो है ना ये इसी तरह इसको फ्राई करती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैंने काम जो सब करना होता है। तो ऐसे करने से बहुत ही लजीज खुशबू हो जाती है, और गोश्त का अपनी जो होती है ना गोश्त की खुशबू वो ख़त्म हो जाती है, और भुनी हुई जो होती है ना वो खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये देखें माशाल्लाह, मैंने ना टमाटरों का छिलका भी सेपरेट कर लिया हुआ है, और गोश्त को जो है ना अच्छे से फ्राई करना है हमने, गोश्त की बनाई होनी चाहिए बस, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है गोश्त की, जो होती है ना गोश्त की स्मेल वो नहीं फिर आती, अच्छे से फ्राई कर लो गोश्त को, तो ठीक है। बाद लोग पानी में गोश्त लहसुन प्याज टमाटर ये सब कुछ डाल के तो स्टीम देते हैं, पर उनके गोश्त के अंदर से ना स्मेल आती है, खाना भी खाओ तो ये मैं जैसे बनाती हूँ ना ये फ्राई हो जाता है, जैसे फ्राई भी हो जाता है और रोस्ट भी हो जाता है। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर का भी छिलका सेपरेट हो गया है, आप देख रहे हैं ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसका बाकी का काम है ना वो शुरू करते हैं आगे से। ये हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया, इसकी बनाई कर ली है, ये गोश्त की हमने अच्छे से इसकी बनाई कर ली है, और अब जो है ना हम इसका बाकी का काम जो है ना वो आपको करके दिखाते हैं क्या करना। हमने इसको जो है ना भून लिया, इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका है, और अब जो है ना हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है, और फिर आपको बताते हैं क्या करना। पानी आप इतना शामिल करें कि आपका जो है ना गोश्त गल जाए, ठीक है। हमने जो है ना पानी शामिल कर लिया था, एक से डेढ़
बिलाल ठीक है, अब हम इसमें मसाले वगैरह शामिल करते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं ठीक है, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको जो है ना स्टीम लगाएंगे ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। चलो जी हम आप इसको स्टीम लगाते हैं। देती हूँ आपको यार। और ये हमने स्टीम लगा दी ठीक है, अब हमने इसको जो है ना 5 से 10 मिनट जो है ना हमने इसको स्टीम लगाने हैं, इसके बाद हम ओपन करेंगे ठीक है। देख रहे हैं सीटी जो है ना गोलना शुरू हो गई है, तो अब जो है ना हम इसको सिर्फ 5 मिनट और स्टीम दे देंगे तो फिर हम ओपन करते हैं ठीक है। ये मैंने स्टीम ओपन कर ली हुई है और अब जो है ना मैं इसको चेक करती हूँ कि गोश्त कहाँ तक रेडी हुआ है ठीक है। वो है कढ़ाई मसाला ठीक है, आपके पास कोरमा मसाला हो, कढ़ाई मसाला हो, मटन मसाला हो, आप जौन सा भी शामिल करना चाहें, बस फ्लेवर होता है ना फ्लेवर को चेंज करना होता है, बस थोड़ा सा आप फ्लेवर को चेंज करने के लिए डाल सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं सिंपल से ठीक हो गया। ये है कढ़ाई मसाला ठीक है, मैंने इतना डाला, आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं और अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना गल जाए। देखिए माशाल्लाह गोश्त जो है ना अच्छे से बनाई कर रही हूँ मैं गोश्त की। ये तब तक हमने इसकी बनाई करनी है जब तक ये आयल नहीं छोड़ता ठीक है। देख रहे हैं माशाल्लाह घी छोड़ दी है गोश्त ने और गोश्त बहुत अच्छे से ना भून लिया मैंने ठीक है। माशाल्लाह हमारा गोश्त भून गया ठीक है, हम अब हम इसको ना सेपरेट कर देंगे और इसमें मटर शामिल करते हैं ठीक है। इसको ना अच्छे से भून लिया, अब हम इसको जो है ना सेपरेट कर लेते हैं तो फिर हमने इसमें मटर शामिल करने हैं ठीक है। मैंने ना गोश्त को सेपरेट कर लिया ठीक है, अब जो है ना हम मटर शामिल करते हैं। मैंने ना गोश्त को सेपरेट कर लिया और अब मैंने ये मटर शामिल किए हैं ठीक है, मटरों को भी हमने भूनना है। देखिए मैंने मटर शामिल किए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े का जो है ना इसका ग्रेवी बना है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है खुशबू की ठीक है। तो मैं मटरों को फ्राई कर रही हूँ ठीक है, फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इनको गलाने के लिए हम रख देंगे। ये हमने मटरों को ना अच्छे से भून लिया ये देख रहे हैं आप ठीक है, अब हम इसमें जो है ना पानी शामिल करते हैं 1 गिलास। अगर आपके मटर ज़्यादा हो तो आप अपने मुताबिक से पानी शामिल कर सकते हैं। अब जो है ना हमें इसको ना मटरों को ना पकने के लिए रख देना ये गल जाए तो फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे क्योंकि मटर जो है ना वो टाइट होते हैं सख्त होते हैं। अब हम इसको ना दम में रख देते हैं ढक्कन दे के तो ये जो है ना अच्छे से ना गल जाए बस ठीक है, शामिल करेंगे। माशाल्लाह हमारा जो है ना खाना रेडी हो चुका है
बस 10 मिनट जो है ना हमने इसको दम पे रख देना। तो माशाल्लाह मटर गोश्त जो है ना माशाल्लाह रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बना है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। इसके साथ घर की रोटियाँ हो जाएँ, बाज़ार के नान हो जाएँ और राइस हो जाएँ, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मैंने इसमें एक गिलास जो है ना पानी शामिल की है और इसको मैंने ना हल्की आंच पे ना रख दिया है ताकि ये अच्छे से जो है ना गल जाए और पक जाए। अगर थोड़ी सी कमी पेशी है चनों मटरों में तो गल जाए। ठीक है, और ये हमारा खाना रेडी हो गया माशाल्लाह। अब मैं धनिया डाल दी है, मिक्स करती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आई है और कितनी प्यारी जो है ना ग्रेवी तैयार हुई है इसकी गोश्त की। गाढ़ा गाढ़ा सा बना है माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आला और बहुत ही लजीज बनता है। ये फर्स्ट क्लास ग्रेवी तैयार हुई है माशाल्लाह से।